हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण। दोस्तों, बालों को लंबा, काला, घना, मजबूत करने का आज मैं आपको एक जादुई नुस्खा बताने वाली हूँ, जिससे आपके बालों की जो खोई हुई चमक है वो वापस आ जाएगी। बाल आपके बेहद मजबूत हो जाएंगे, टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और नेचुरली आपके बाल काले हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और ईजी सा नुस्खा है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, आज का नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए होगा ये हमारा है आंवला रीठा। आंवला रीठा दोस्तों आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और हर जगह मिलता ही मिलता है, और अगर आपको नहीं मिलता है फ्रेंड्स तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। आंवला रीठा दोस्तों हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, हमारे बालों की खोई हुई चमक वापस लेके आता है, और सबसे बड़ी बात है हमारे बालों को नेचुरली काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आंवला रीठा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं लिया है, आप चाहें तो इसका पाउडर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होता है इससे हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करके। हमारे बालों की जड़ों को मजबूत जब करता है तो बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और जब बालों का टूटना झड़ना ख़त्म हो जाएगा दोस्तों तो नए बाल तो ज़रूर से ज़रूर उगने शुरू हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और आपके बाल बेहद लंबे हो जाएंगे। अगली सामग्री आपको लेनी है ये हमारा है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों हर घर में होता है, और चाय का पत्ती दोस्तों अक्सर लोग तो चाय बनाने के लिए काम करते हैं, चाय बनाने का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा भी चाय के पत्ती के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि सभी लोगों को नहीं पता होता है। चाय का पत्ती हमारे बालों को बहुत ही खूबसूरत करता है, हमारे बालों की खोई हुई चमक वापस लेके आता है और नेचुरली हमारे बालों के जो कलर को चेंज करता है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं, वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है, यानी कि बालों को काला करने में भी चाय के पत्ती का बहुत ही बड़ा योगदान होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो सामग्री लेनी है, पहला है हमने लिया है आंवला रीठा और उसके बाद लेना है आपको चाय का पत्ती। उसके बाद कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें आपको एक गिलास पानी डाल देना है, और उसके बाद उसमें आपको डालना है एक चम्मच चाय का पत्ती, एक चम्मच ही डालना है, बहुत ही ज़्यादा चाय पत्ती की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम यूज़ के लिए ही बनाना है आपको, बहुत बार के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं बना के रखना। जब भी आपको शैम्पू करना हो या फिर जब भी आप अपने वॉश को धोना चाहते हैं तो तभी के तभी आप एक घंटे दो घंटे पहले इसको बना लीजिए और उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच के आसपास चाय पत्ती के साथ ही एक चम्मच हमने आंवला रीठा जो मेरे पास है उसको डाल दिया है, और उसके बाद दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से उबालना है, बॉयल करना है, ताकि जितना भी इसके गुण है चाय का पत्ती का हो या फिर आंवला रीठा को, सभी के सभी इस पानी में आ जाए। इसके लिए आपको बहुत ही मीडियम गैस पे, बहुत ही लो से मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छे से उबालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे जब इसको पकाओगे तो चाय का पत्ती अपना कलर तो छोड़ेगा लेकिन आंवला रीठा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कोशिश करें कम से कम 10 से 12 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से इसको पका ले, ताकि सभी के सभी चीज़ें का जो गुण है वो इस पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं चाय का पत्ती की वजह से पूरा पानी चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया है, और इसी कलर की वजह से हमारे बालों में भी एक नेचुरली कालापन आता है, हमारे बालों को नेचुरली कलर प्रदान करता है चाय का पत्ती, और आंवला रीठा हमारे बालों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से उबाल ले। उबालने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसको जो है छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जितने भी चाय का पत्ती का दाना हो, आंवला रीठा का है, वो सभी सभी इस पानी में ना जाए। अब दोस्तों पानी यहाँ पे गर्म है तो पानी को कोशिश करें आपको अच्छे से ठंडा कर ले, ठंडे पानी का ही इस्तेमाल आपको अपने बालों के लिए करना है, ठीक है। तो ये पानी तो हमारा रेडी हो चुका है। अगली सामग्री आपको लेनी है ये हमारा है प्योर एलोवेरा जेल, जो कि मैंने मार्केट से लिया है, ऑनलाइन परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों हमारे बालों के लिए, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला जो एलोवेरा जेल होता है ना, बिल्कुल वैसा। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं लेकिन बहुत सारे में क्या होता है, केमिकल होता है, फ्रेगनेंस होता है, और साथ के साथ ही अजीब सा हमारे बालों के ऊपर भी साइड इफेक्ट होता है, इसलिए आपको वैसे वाला लेना ही नहीं है, इस तरह का लेना है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो पौधा वाला भी इस्तेमाल करिए, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारे बालों की खोई हुई चमक को वापस लेकर आता है, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है एलोवेरा, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलोवेरा जेल। तो दोस्तों हर प्रकार से फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा जेल, तो आपको एक से डेढ़ चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर देना है, ताकि ये जो एलोवेरा जेल है हमारे बालों के ऊपर एक अलग सी लेयर चढ़ा देगा और आपके बालों की खोई हुई चमक जो है
वापस आ जाएगी। सभी के सभी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ये पानी रेडी कर लेना है। अब आपको क्या करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करोगी, आपको बहुत ही अच्छे से अपने बालों को साफ़ कर लेना है शैम्पू की मदद से। बहुत ही अच्छे से जब आपके बालों का जो कलर मतलब गंदगी निकल जाएगी तभी आप इसको इस्तेमाल करें। तो बहुत ही अच्छे से शैम्पू करने के बाद आपको इस वाले पानी को लेना है और उसके बाद आपको अपने जो बाल है उसको अच्छे से रिंज कर लेना है। जब इस पानी से आप अपने बाल को रिंज करोगे तो उसके ऊपर जो है बालों के ऊपर एक अलग सी लेयर चमक चढ़ जाएगी और तुरंत ही इसको वॉश नहीं करना है फ्रेंड्स। कम से कम इसको लगा करके 10 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दें, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद ही फिर इसको आपको वॉश करना है। पहले बार के इस्तेमाल से ही दोस्तों आपको इतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बाल आपके दिखेंगे, बाल बिल्कुल लंबे घने मुलायम हो जाएंगे दोस्तों, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बाल आपके नेचुरली काला भी दिखने लगेगा। मेरे बाल बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं घर के नुस्खा ही अपनाती रहती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।